तो दिल्ली में लगा लाशों ही लाशों का ढेर। जी हाँ दोस्तों, अभी किस वक्त की बेहद बुरी खबर है। पूरी की पूरी दिल्ली में साथियों हड़कंप मच गया। अभी किस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली NCR में भीषण गर्मी के बीच शुक्रवार रात भयंकर आंधी के साथ बारिश हुई। इस दौरान पेड़ गिरने से 2 लोगों की भी मौत हो गई है, 23 लोग घायल हैं। तेज आंधी से कई इमारतों को भी नुकसान हुआ है। तूफान के कारण अलग अलग हादसों में हुए 23 लोग घायल हैं। दिल्ली एयरपोर्ट के सूत्रों के बताया है कि खराब मौसम के कारण 9 फ्लाइट्स को जयपुर डाइवर्ट किया गया है। सड़कों पर पेड़ गिरने से दिल्ली और आसपास के इलाकों में यातायात भी प्रभावित हुआ है। पुलिस ने बताया है कि उन्हें पेड़ गिरने से 152 इमारतों को नुकसान पहुंचने से 55 और पावर कट में हुए हैं और जुड़े 202 कॉल रिसीव हुए हैं। आंधी और बारिश के बाद दिल्ली NCR में बढ़ते तापमान से लोगों को राहत मिली। शनिवार सुबह से ही मौसम सुहाना बना हुआ है। कुछ जगहों पर रुक रुक कर हल्की बूंदाबांदी की जा रही है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।